हेलो फ्रेंड्स, अन्ना की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हमने बनाई है, देखो, मक्की की रोटी, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। देखो कितनी मजेदार रोटी है ये। मैं एकदम आसान तरीके से बनाना बताई है मैंने, ये बिना पन्नी के बनाई है ये रोटियां। और तीन तरीके से बनाएंगे आज हम ये मक्की की रोटी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने ये लिया है मक्की का आटा। ये 1 कटोरी आटा है मक्की का। हम बनाएंगे बिना पन्नी के आज, बिना पन्नी लगाए हुए मक्की की रोटी। तो फ्रेंड्स, हमने ये 1 कटोरी लिया है मक्की का आटा और इसमें हमने लिया है 1 स्पून 1 गेहूं का आटा। सिर्फ 1 स्पून ही लिया है, हम पन्नी से नहीं बेलेंगे आज रोटी और ऐसे ही बेलेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम पानी बना लेते हैं। देखो मैंने इस टाइप का गर्म पानी किया है, इसमें थोड़े थोड़े से ये ऐसे बबल से आ गए थे, इस तरीका से मैंने पानी गर्म किया है। तो ये पानी ऐसा हमें काम में लेना है। तो पहले हम इसमें डाल लेंगे नमक। तो नमक चाहे पानी में मिला लो आप, चाहे आटे में डाल दो, बात एक ही है। तो मैं पानी में ही डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने लिया है थोड़ा सा घी और ये हम पानी के अंदर डाल देंगे। ये गर्म पानी है, इसके अंदर ये घी मिला लेंगे हम इस तरीके से। पानी के अंदर घी और नमक हम मिला लेंगे। नमक की आप किसी तरीके से भी कर सकते हो, या तो आटे में डायरेक्ट डाल दो या फिर आप पानी में मिला लो। तो इस तरीके से आप गरम पानी से आटा लगाओगे, बस ये पिघलता जा रहा है और ये देखो मेल्ट हो गया है सारा घी इसके अंदर। और हम अब थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसको, गरम है लेकिन आटा है तो इतना लग नहीं रहा ये, और इसको ऐसे ही हम गूंदेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आटा लगा रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। इसे टाइट नहीं लगाना, हमें ऐसा लगाना है बिल्कुल एकदम नरम नरम सा आटा लगाना है, क्योंकि मक्का पानी ज़्यादा पीती है। तो हमें इस आटे को थोड़ा सा ऐसा लगाना है, नरम नरम सा लगाना है। और जैसे जैसे आप पानी डालते जाओगे, जैसे जैसे ये सूखता जाएगा। और इस आटे को लगाने का एक ये प्रोसेस है, इसको ज़रूर याद रखना फ्रेंड्स। आपकी रोटी बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, आप बस पानी डालना और इसको ऐसे करना। देखो टाइट हो गया ये आटा, मैं पानी और डाल रही हूँ थोड़ा सा, फिर इसको ऐसे करना है। इस आटे को इस तरीके से लगाना है फ्रेंड्स, ये आटा इस तरीके से लगाओगे, ये बस आटा लगाने का ही प्रोसेस है। इसके अंदर रोटी बहुत अच्छी बनती है। देखो इसको ऐसे लगाना है आटा, तो हमारी रोटी बहुत ही अच्छी बनेगी। फिर दोबारा से ये टाइट हो गया है, थोड़ा सा हम पानी इसमें और डाल लेते हैं। देखो आटा, देखो इस तरीके से हो गया है आटा। फिर हम फिर दोबारा से ऐसे करेंगे। इस आटे को जितना आप इस तरीके से लगाओगे, आटे का लगाने का इसका यही है बस, इस आटे को आपको इस तरीके से लगाना है कि जो इसका नस नस के अंदर पानी चले जाए और हमारा आटा बहुत ही अच्छा बने। अभी थोड़ा सा चिपक रहा है परात को, हमने देखो इस तरीके से ऐसे ऐसे गूंद करके इसको इस तरीके का, देखो ऐसा बनाया है हमने आटा, आप देख लो अच्छी तरह से। लेकिन इस आटे को आप जितना ऐसे करोगे, इसका गूंदने का यही प्रोसेस है बस, इसको ऐसे करते जाओगे तो ये आटा बहुत अच्छा बनेगा। तो अभी ये थोड़ा सा चिपक रहा है, इसलिए हम इसे थोड़ी सी देर के लिए ढक देते हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाते हैं, 15 मिनट हो गई है इस आटे को। और देखिए फ्रेंड, आटा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। देखो इसके अंदर अच्छी सी लोच आ गई है आटे के अंदर, और ये देखो अब हाथों के भी नहीं चिपक रहा। बस ये परात तो हमारी थोड़ी सी वो है जब मैंने छोड़ दी थी इसको, तो ये हाथों के नहीं चिपक रहा। और अब हम थोड़ा सा ये सूखा आटा लेंगे और सूखे आटे से इसकी लोई लेंगे।
दोनों हाथों में सूखा आटा ऐसे भुरखाते हुए इसकी लोई ले लेंगे हम। आपको जैसी जितनी बड़ी बनानी है उस हिसाब की ले सकते हो। देखो हमने ये आटा लगा लिया इसके ऊपर पॉलिथन, और देखो ये मैंने सूखा आटा लगा करके, जैसे आप गेहूं की रोटी बेलते हो वैसे बेल करके दिखाऊंगी मैं। देखो बिना पन्नी के, फ्रेंड्स देखो बिना पन्नी के बेल रही हूं मैं, आप देख सकते हो। ये देखो हल्के हाथ से मैं बिना पन्नी के बेल करके दिखा रही हूं। इसको हल्के हल्के हाथों से बेलना है, और देखो मैं उठा भी रही हूं बस, लेकिन हल्के हल्के हाथों से करना है। और ये आराम से अच्छी तरीके से बिल गई है, बस इसमें ज्यादा खींचातानी नहीं करनी, नहीं तो टूट जाएगी। देखो इजीली एकदम बिल गई है पूरी रोटी, आप देख सकते हो। देखो मैंने पूरी रोटी बेल ली है, आटा कई देर तक ये सॉफ्ट हो चुका था, और ये मैंने गैस पर तवा चढ़ा रखा है। तवा तवे को पहले गर्म कर लेना और उसके बाद में ही डालना रोटी। तो ये देखो मैंने रोटी डाल दी है, ये बीच में से फूल रही है, तो मैं इसको चाकू लगा करके इसको थोड़ा सा, अब इसकी भाप निकल गई देखो, तो ये अब कम हो जाएगी फूलना। इसको हम ऐसे थोड़ा सा चक्कू या आपका चिमटा हो ऐसे, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे करते हुए इसको पलट देना, क्योंकि ये तवे पे चिपक जाती है रोटी। देखो ये चारों तरफ से मैंने इसको ऐसे कर दिया है, तो देखो ये सिक गई है, आप देख सकते हो एक साइड से सिक गई है। तो एक रोटी पर हम ऐसे घी लगा करके दिखाते हैं आपको, और एक रोटी मैं आपको ऐसे ही बना करके दिखाऊंगी बिना घी के, नीचे गैस पर सेक करके। नीचे की साइड में भी लगा दिया है, नीचे की साइड भी सिक रही है ये। अब इसको भी ऐसे ही इसके किनारे को ऐसे हटाते हुए हम रोटी को ऐसे ही करेंगे, और ये रोटी हम ऐसे ही पलट देंगे। देखो ये रोटी इधर से भी सिक रही है, देखिए फ्रेंड्स हमारी रोटी अच्छे से सिक चुकी है, दोनों साइडों से सिक चुकी है, और एकदम देखो अच्छी सी रोटी बनी है, मुलायम सी। बस इसका एक ही यही है, आटे को लगाते वक्त आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, और इसको 15 से 20 मिनट के लिए, आधा घंटा भी आप रेस्ट के लिए छोड़ देंगे तो इस आटे के अंदर अच्छी सी लोच आ जाती है। ये देखिए हमारी रोटी अच्छे से सिक चुकी है। देखिए फ्रेंड्स ये रोटी मैंने प्लेट में निकाल ली है, और कितनी बढ़िया अच्छी रोटी बनी है, एकदम बिना पन्नी लगाए हमने ये रोटी बनाई है देखो, और चकले बेलन से ही बनाई है। कितनी अच्छी रोटी बनी है आप देख सकते हो, एकदम कैसे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है। अभी थोड़ी गर्म है तो आपको दिखाऊंगी मैं एक रोटी दूसरी और बना के दिखाती हूँ। दूसरी वाली लोई पर भी मैंने ऐसे ही सूखा आटा लगा लिया है, और इसके ऊपर ऐसे ही सूखा आटा बुरखा करके, और इसको भी मैं इसी तरीके से बेलूंगी, बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से, ज्यादा प्रेस नहीं करना है। अगर आप ज्यादा प्रेस करोगे तो फिर रोटी टूट जाएगी। बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है हमें रोटी को। ये रोटी भी मैंने बेल ली है आप देख सकते हो। अब बिल्कुल इजीली धीरे धीरे इसको ऐसे ही उठाना है, आराम से धीरे धीरे उठा के हाथ लगा के, और ऐसे धीरे से ऐसे उठा करके इसको हम तवे पर डाल देंगे। गैस की फ्लेम फुल ही रखनी है, मक्की की रोटी तेज ही आंच में बनती है, और उसी तेज आंच से ही अच्छी बनती है। फिर इस रोटी को भी हम चारों तरफ से ऐसे ही ऐसे इसको हटाते हुए, देखो अब तो वैसे भी चिकना हो गया था तवा, तो चिपक नहीं रही है रोटी, पहली वाली रोटी ही चिपक रही थी। और देखो अब हम इसको पलट देंगे, तो कितनी बढ़िया अच्छी सिकी है ये रोटी।
देख सकते हो आप कितनी अच्छी रोटी सिकी है, बहुत अच्छी बनती है ऐसे। इस आटे को आप अच्छे से लोच देंगे तो ये आटा एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो जाता है। और इसको ढक देना 15 मिनट के लिए, और घी जरूर डालना इसके अंदर, मैं बार बार बता रही हूँ। बहुत अच्छी रोटियां बनेगी फ्रेंड्स। तो देखिए दूसरी साइड से भी ये सिक गई है। अब हम गैस की फ्लेम थोड़ी सी कम कर देंगे क्योंकि दूसरी साइड से ये अच्छे से सिक जाएगी तो नीचे बढ़िया सिकेगी। अब ये रोटी सिक चुकी है देखो, और अब हम गैस की फ्लेम पर नीचे सेक लेते हैं इस रोटी को। ये रोटी मैंने बिना घी लगाए सेकी है। पहली वाली रोटी आपको घी लगा करके दिखाई थी मैंने सेक करके, और ये रोटी मैंने बिना घी लगाए सेक रही हूं। फ्रेंड्स इन रोटियों को थोड़ा ज्यादा ऐसे तेज से नहीं पकड़ना है, अगर पकड़ेंगे तो फिर ये टूट जाएगी। बस इनको हल्के हल्के से ही पकड़ना है तो ये रोटी बहुत अच्छी बनेगी। देखिए रोटी फूल चुकी है और कितनी बढ़िया सिकी है ये रोटी, देखो कितनी अच्छी बनी है। देखो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितनी बढ़िया ये रोटी फूली फूली बनी है, और अभी थोड़ी गर्म है, मैं हाथ से भी आपको दिखाऊंगी। देखो कितनी बढ़िया लग रही है ये रोटी, कितनी सॉफ्ट हो गई है ये रोटी, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया हो गई है। ये गर्म पानी से गूंदने का ही ये एक प्रोसेस है इसका, और अच्छे से लोच देने का। और ये रोटी भी देखो कितनी सॉफ्ट बनी है, कितनी बढ़िया बनी है। अब इसको ज्यादा हम मोड़ेंगे तो ये टूट जाएगी। अब दो तरीके तो हो गए हमारे, दोनों तरीके से हमने रोटी आपको बताई है बना करके। अब मैं एक तीसरे तरीके से बना करके बताती हूँ आपको रोटी चूल्हे पर। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये चूल्हा जलाया है, और चूल्हे के अंदर लोहे का चूल्हा है मेरा, और ये देखो मैंने तवा रख दिया है इसके ऊपर, और ये पहले की तरह ही ऐसे ही मैंने लोई ली है। और ये देखो मैं अब ऐसे ही जैसे पहले बना रही थी वैसे ही बनाऊंगी, बेल करके ही। देखो ये मैंने इसके ऊपर सूखा आटा लगा लिया है, और अब मैं तीसरी रोटी आपको चूल्हे पे बना करके दिखा रही हूँ। ऐसे ही हल्के हाथों से जैसे मैंने बताया था वैसे ही इसको भी लिया है मैंने, और इसको मैंने तवे के ऊपर डाल दी है। ये रोटी एक साइड से सिक चुकी है, तो हम इसको चिमटे की सहायता से ऐसे ही जैसे पहले किनारे हमने हटाए थे इसके वैसे ही हटा दिए हैं, और इसको धीरे से एकदम हाथ से धीरे से पलट देंगे। देखो सिक गई है ये, और आपको मैं नीचे सेक करके दिखाऊंगी चूल्हे के अंदर ये रोटी। देखिए फ्रेंड्स ये रोटी नीचे से सिक चुकी है, आपको दिखाऊं मैं। ये देखो नीचे से ये रोटी इस तरीके से सिक चुकी है, और मैं अब इस रोटी को देखो ऐसे नीचे सेक करके दिखाऊंगी आपको। मैं तवे पर नहीं सेक रही, नीचे बहुत अच्छी आंच में ये सिकेगी रोटी, और एकदम मजेदार टेस्टी लगेगी ये रोटी। अब ये रोटी भी फूल रही है देखो नीचे की आंच में भी, एक साइड से सिक चुकी है, दूसरी साइड से हम लगा देंगे इसको सेकने के लिए। एक रोटी और है, इसे भी हम पलट देते हैं। ऊपर की रोटी भी हमने पलट दी है, देखो ये रोटी भी हमने पलट दी है। देखिए फ्रेंड्स ये रोटी सिक चुकी है देखो, अब इसमें थोड़ी सी ये राख लग गई है, मैं इस कपड़े से ऐसे हटा देती हूँ। और इस रोटी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गैस पर भी बना करके खा सकते हो। मैंने गैस पर भी दो तरीके बताए हैं मक्की की रोटी बनाने के। तो हमारी चौथी रोटी भी बन चुकी है देखो, ये हम इसे भी गैस पर चूल्हे के अंदर ऐसे ही सेक लेंगे, और इस रोटी पर हम मक्खन लगा देते हैं। ये देखो अब हमने इसके ऊपर मक्खन लगा दिया है। फ्रेंड्स हमने ये एक रोटी और सेक दी है चूल्हे पर ही, और इस पर भी हमने ये मक्खन लगा दिया है। देखिए
ये रोटी हमारी गैस की बनी हुई है, कितनी सॉफ्ट है ये भी, और ये भी दूसरी हमने बिना घी के बनाई थी, पहली वाली घी से बनाई थी, और ये दो रोटी हमने चूल्हे पर बनाई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये चारों रोटियों की वीडियो पसंद आई है मक्की की, तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू फ्रेंड्स।